हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। हम सभी फाइट फैंस के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। यूएफसी 284 में एक जबरदस्त फाइट फिक्स हो गई है पोलो कोस्टा और रॉबर्ट विटेकर के बीच में। ये जो फाइट होगी यूएफसी 284 में, ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, यानी कि जहां पर रॉबर्ट विटेकर का होम एडवांटेज होगा। और ये फाइट 11 फरवरी को होने वाली है और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गई है दोस्तों। और ये यूएफसी की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट होगी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि फरवरी के महीने में दो ऐसे फाइटर्स जो है आपस में टकराएंगे जो कि अभी हाइप में हैं, रॉबर्ट विटेकर और पोलो कोस्टा। अब इस फाइट का ब्रेकडाउन काफी जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अगर यहां पर अपर हैंड देखा जाए तो होम एडवांटेज भी रॉबर्ट विटेकर की है और ओवरऑल गेम भी अगर देखा जाए तो रॉबर्ट विटेकर का बेटर है, क्योंकि मार्विन विटोरी से पोलो कोस्टा हार चुके हैं और अभी पीछे मार्विन विटोरी को रॉबर्ट विटेकर ने हरा दिया था। तो इस तरीके से अगर हाइप क्रिएट करने की बात करें तो पोलो कोस्टा बहुत हाइप क्रिएट करेगा, लेकिन यहां पर रॉबर्ट विटेकर को हम एक बार फिर से जीतते हुए देख सकते हैं। कैसे जीतते हुए देख सकते हैं, पूरा फाइट एनालिसिस में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अगर आप यूएफसी की न्यूज पसंद करते हैं और उसके साथ सिर्फ न्यूज नहीं, फाइट एनालिसिस और लाइव स्ट्रीम वगैरह आप लोग पसंद करते हैं, तो मनोबल बढ़ाई मेरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करें। और आपके नजरिए से रॉबर्ट विटेकर और पोलो कोस्टा में से कौन जीत सकता है और ये फाइट इन दोनों के करियर के लिए क्यों जरूरी है, ये भी बताना। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।